आज हम लोग शब्द विचार में संज्ञा के बारे में पढ़ने वाले हैं। किस चीज के बारे में? संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बहुत अच्छा। जैसे हिमालय, श्याम या घड़ी जो हम लोग पहनते हैं, चादर, पुस्तक इत्यादि, ये सब क्या हो गया? संज्ञा। क्या हो गया? संज्ञा। संज्ञा के कुल पांच भेद हैं। कितने भेद हैं? पांच। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद? पांच। पहला कौन सा? जातिवाचक। दूसरा? व्यक्तिवाचक। तीसरा? भाववाचक। चौथा? समूहवाचक। और पांचवा? द्रव्यवाचक। तो सबसे पहले आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जिस संज्ञा से पूरे जाति भर का, जैसे मानव जाति है ना, गाय एक बार जाति हो गया, तो जिस संज्ञा से पूरे जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे यहाँ देखिए, गाय, गाय मतलब सब तरह का गाय हो गया। फल मतलब पूरा फल जाति, जैसे आम का फल या अमरूद का, फूल, पहाड़, नदी, मनुष्य, ये सब हो गया जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण। क्या हो गया? उदाहरण। दूसरा है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिससे किसी एक व्यक्ति या पदार्थ का बोध हो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हिमालय, गंगा, पटना, राम या श्री राम, जैसे यहाँ हिमालय है, ये पहाड़ का नाम है ना, पर्वत का। गंगा एक किसी खास नदी का नाम है। तो जो भी व्यक्ति या पदार्थ का बोध कराता है उसी को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आप लोगों को समझ में आया होगा? जी सर।